मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डिंपल शर्मा। वेलकम टू द माय क्लासेस रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्लास है एलकेजी। आपका पहले दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे का चैप्टर लेंगे, यूज ऑफ यस एंड नो। Use of yes and no. Use of yes and no. Yes means सभी को मालूम होगा, yes means हाँ, no means ना, नहीं। Yes means हाँ और no means नहीं। इसमें हाँ या ना का प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें आप ये पेज नंबर 80 ओपन करेंगे, ये है वो एलकेजी क्लास इंग्लिश निकालेंगे और 80 पेज नंबर ओपन करेंगे, 80 पेज नंबर यस एंड नो। इसमें हम पहला ये है क्वेश्चन, इज दिस ए रैबिट, इज दिस ए रैबिट, रैबिट का पिक्चर बना हुआ है, ये रैबिट का पिक्चर बना हुआ है, इसको देखेंगे। मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं बनाया है, ओनली ये क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, आपको पिक्चर बुक से देखना है, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है इज दिस ए रैबिट, एक मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, इज दिस ए रैबिट, इज दिस ए रैबिट, यह एक खरगोश है, यह क्या है, खरगोश है। तो ये क्या है, पिक्चर खरगोश की बनी हुई है, तो ये हाँ में आएगा, मतलब यस में आएगा, तो इसका आंसर Yes, it is, क्योंकि पिक्चर किसकी है, खरगोश की। क्वेश्चन भी पूछा गया है, यह एक खरगोश है, क्या यह खरगोश है, तो यस इट इज, हाँ यह है खरगोश है, पिक्चर खरगोश की है, तो हम इसका आंसर यस बनेंगे। आंसर नीचे दिया हुआ है रेड से, यस इट इज, यह खरगोश है। नेक्स्ट है Is this a rose? Is this a rose? Second question में इसमें book में देखेंगे आप, Is this a rose? मैंने भी यही note किया है, Is this a rose? Rose means क्या होता है? Flowers का आपको याद है, Rose means गुलाब होता है, और ये picture किसकी बनी हुई है? ये गुलाब की नहीं बनी हुई है, ये picture बनी हुई है lotus की, कमल की, तो ये rose यूज करना है, इसमें आपको नो यूज करना है, यूज आपको यस एंड नो का करना है। पिक्चर अगर क्वेश्चन में इसमें रैबिट बताया है और रैबिट की पिक्चर है, आंसर आएगा यस में। अब इसमें लोटस की पिक्चर है और क्वेश्चन दिया है रोज का, तो ये आंसर आपका नो में आएगा, यस में नहीं आएगा, क्योंकि पिक्चर किसकी, लोटस की, और क्वेश्चन किसका है, रोज का, तो आंसर किसमें आएगा, नो में, इसमें यूज होगा नो, नो इट इज नॉट, नहीं ये रोज नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, इज दिस ए पेंसिल, इज दिस ए पेंसिल, मैंने भी यही नोट किया है, आप इसमें एक पिक्चर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है इज दिस ए पेंसिल, इज दिस ए पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, क्वेश्चन है आई एस इज टी एच आई एस दिस, टी एच आई एस दिस, क्या होता है ये, दिस ए पेंसिल, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, इज दिस ए पेंसिल, आई एस टी एच आई एस ए पी ई एन सी आई एल, इज दिस ए पेंसिल। अब ये पिक्चर किसकी बनी हुई है, पिक्चर है बुक की, ये पिक्चर किसकी बनी हुई है, बुक की, इसमें पेंसिल नहीं है, पेंसिल की पिक्चर नहीं है, इसमें पिक्चर है बुक की, क्वेश्चन दिया हुआ है पेंसिल का, तो इसमें आपको क्या यूज करना है, यस या नो, नो यूज करना है, नो इट इज नॉट, नहीं ये पेंसिल नहीं है, नो एन ओ नो आई टी ए
क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चेयर का, पिक्चर बनी हुई है इसमें चेयर की, पिक्चर क्या बनी हुई है, चेयर बनी हुई है इसमें, क्वेश्चन भी चेयर का दिया हुआ है। आई एस, आई एस इज, आई एस क्या होगा, इज, आई एस इज, टी एच आई एस, टी एच आई एस दिस, ए सी एच ए आई आर चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, इट दिस ए चेयर, यस इट इज, हाँ यह चेयर है, इज दिस ए चेयर, पिक्चर चेयर की बनी हुई है, आपको इसमें यूज करना है यस, वाई ई एस, यस की स्पेलिंग है वाई ई एस, पहले आप इसमें वाई ई एस और नो ये दोनों स्पेलिंग्स याद करना है, वाई ई एस, यस, यस मीन्स हाँ, एन ओ नो, नो मीन्स नहीं, ये दोनों स्पेलिंग्स पहले याद करना है आपको। फिर से मैं एक बार और बताऊंगी, आई एस इज दिस ए रैबिट, आई एस टी एच आई एस ए आर ए डबल बी आई टी रैबिट, वाई एस आई टी आई एस, यस इट इज, हाँ ये रैबिट है, आई एस इज टी एच आई एस ए रोज, आर ओ एस ए रोज, और इसमें पिक्चर है लोटस की, तो नो, एन ओ आई टी आई एस एन ओ टी, नो इट इज नॉट, नहीं ये रोज नहीं है, आई एस टी एच आई एस ए टी ई एन सी आई एल, इज दिस ए पेंसिल, नो एन ओ आई टी आई एस एन ओ टी, नो इट इज नॉट, नहीं ये पेंसिल नहीं है, क्योंकि इसमें ये बुक की पिक्चर दी हुई है, इज दिस ए चेयर, यस इट इज। अब आपको ये घर पर रिवीजन करना है, यस नो की स्पेलिंग याद करना है, और होमवर्क पेज नंबर 18 यूज ऑफ यस एंड नो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे में फिर से अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, इसके होम स्टे सेफ, थैंक्स।